ंग दब्सक्राइब बटन क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय अपलोड फ्रॉम आवर चैनल इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब वो बोलते हैं तो वो उनकी अपनी जाति राय नहीं होती बल्कि वो पाक फ़ौज का मौकाफ़ होता है मुख्तलिफ इशूज़ पर और मीशत के हवाले से जब बात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बात की वहाँ कराची में एक सेमिनार में या इन्होंने बात की तो इससे तो जाहिर है ये एक पाक फौज का मौक़ है मुल्क की मीशत के बारे में और वाजह भी किया गया था कि मुल्क सलामती और मीशत को अलहदा नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ बल वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि उन्हें भी उस बयान पर दुख हुआ जिसमें मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा ने कहा था कि मीशत की हालत अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है इस सारे तनाजुर में दोनों साइड यानी सिविल क्यादत और मिलिट्री क्यादत ने बहरहाल एक बात तो यकसा तौर पर मुश्तरका तौर पर कही के मिल बैठकर काम करने की जरूरत है मिल बैठकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है ये हमारे मौजूद हैं और जाहिर है आज के यही मौजूद हो सकते हैं आज जो शख्सियत हमारे रूबरू हैं उन्होंने अपोजिशन भी की है डट के की है हकूमत में रहे हैं तो डट के हकूमत की है और इन सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे फेजेज देखे हैं इनके अलावा भी हम कुछ तजिया नगारों से बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले मैं उस शख्सियत उनका तारफ आपसे करवा दूँ सबक वफाकी वजी दाखिला जनाब मखदूम फैसल साल हजाज साहब बहुत शुक्रिया आपने बड़े क्रूशल वक्त पे आज वक्त दिया हमें इतफाक़ की बात है क्योंकि आप अपोजिशन में रहे नाइनटीज में हुकूमतों में रहे फिर 2002 के इलेक्शन के बाद आपने जनरल प्रवेद मुशरफ़ की हुकूमत के साथ भी काम किया जब ये फ़ौज कहती है कि इकानी पे हम बात कर रहे हैं मैं एज अ जर्नलिस्ट कर सकता हूँ बात और मैं करता भी हूँ सियासतदान फुल बात कर रहे होते हैं मीशत पे तजिया नगार बात कर रहे होते हैं फ़ौज एक स्टेक होल्डर है मीशत में स्टेक होल्डर है मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है फिर उनको बात नहीं करनी चाहिए क्या जनरल बाजवा साहब को नहीं बात करनी चाहिए थी जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर को बात नहीं करनी चाहिए थी क्या शुक्रिया शौकत साहब मुझे तो लगता है ऐसे मैं आपका इस जवाब देने से पहले या करूँगा कि ये हुकूमत जो है आई डोंट नो एक हम कहते हैं ना अपना खुदकश हमलावर और ख़ुदकश सुसाइड बम्बर जो होते हैं आज पीएमएल एम जो है ना उसको आप बिल्कुल तश्ीर दें उसी सुसाइड बॉम्बर के साथ कि अपने पाँव पे सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं मारे अपने आप को मुकम्मल तौर पर ब्लोअप करने की तैयारी रहे हैं, जिस किस्म की इनकी एक्शन हो रहे हैं जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो इनकी बयानत जिस किस्म के इनके आ रहे हैं आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे सिर्फ मईत नहीं हर किस्म की हमारी जो आ, आ, आ रहा है सियासत के हवाले से हो समाजी रबतों के हवाले से हो इकतियात पर हो या दीगर शोबे में हो आज तो हर कोई उस पर कमेंट कर रहा है आपका सोशल मीडिया देखिए उस पर आप किसी को रोक सकते हैं आज तो इंफॉर्मेशन आज़ाद हो गई है दुनिया सकड़ के रह गई है और हमारा ये पता नहीं ये ऐसे निकबाल किस दुनिया में रहते हैं ये आज ये आज से पुराने मिडीवल एजेस में भी रहते हैं तो उसमें उस, उस वक्त भी ये लागू नहीं थी ये ये जो मंतक है उनकी आज और फिर अफवाज पाकिस्तान से ये तकाजा करना कि वो बयान ना दें जो कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और अहम स्टेक होल्डर है आज पाकिस्तानी सिस्टम में आज ये लंबी बहस हो जाएगी इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दो जो बड़े अहम आपके सामने जो एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत साजी के हवाले से उनका डायरेक्ट नेक्सस है इकोनॉमिक के साथ मीशत के साथ और सिर्फ इन्हीं का नहीं है दुनिया भर में आप देखिए सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा आप दुनिया भर में अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें डायरेक्ट नेक्सस है उनके इकोनॉमिक के साथ पाकिस्तान आर्मी अगर बात करती है या आर्म फोर्सेज अगर बात करते हैं इस पे, आ, ये, पर एक के ऊपर उनका रेट बनता है क्योंकि आज जरब अजब आ, आ, हो रही है या रदल्फसाद हो रही है उसमें कौन जानों को नजरानी दे रहे हैं और दिन भर आ, एवरी डे हम देखते हैं कि पाक फौज के कुर्बानियाँ उनकी शहादतें हो रही हैं की अभी अब अभी अभी, अभी, अभी उनकी हुई है ठीक है हर कोई और ये बताइए क्या ये खाकान शायद अकबासी उनके घर नहीं घिंच गए तो क्या उनको रोक दें कि आप किसी घर आप फौजी घर भी आप नहीं जा सकते उन्होंने इस बात का अदा किया तस्लीम किया है फ़ौज की कुरबानियों को सो बात यह है कि फौज का पूरा पूरा राइट है जिस तरह मेरा आपका या किसी और पाकिस्तानी का राइट है आप किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर गवर्नेंस के ऊपर पॉलिसी के ऊपर आप उस पर बयान दे सकते हैं और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे मुल्क मुल्क को मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है अगर हमारी मीशत जो आज उस पर अगर आप इजाजत देंगे आगे चल के मैं बात करना चाहूँगा आज जहाँ पर खड़ी हुई है पिछले चार साल के झूठ की बुनियाद पर पिछले चार साल की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर पिछले चार साल की लूट मार की बुनियाद पर यह एक एक इतना बड़ा एक ये वलकैनो है इतना बड़ा ये एक एक फटने वाला वलकैनो है कि एक लम्हे में भी ये फट सकता है और हर चीज़ जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगी अगर इकानमी आपकी बैठ गई मुकम्मल तौर तो पर नीचे बैठ गई तो आप क्या कर सकेंगे वो भी ये कहते हैं कि हाफ एम टी हाफ फुल यानी गिलास आधा है गिलास भरा हुआ है आधा भरा हुआ है आधा खाली है उनका जो अभी आज आज टेलीविजन से उन्होंने बात की उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि ये बातें करने से बेहतर है कि हम अपने आप को भी एतमाद दें दुनिया को भी एतमाद दें आधा गिलास की बात वो भी मान रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि सब ठीक है जाहिर है वीकनेसेस हैं लेकिन वो कहते हैं एतमाद देना भी हमारी जिम्मेदारी है एस एन इकबाल को मेरा ये मश्रा होगा ठीक है कि वो अपनी वजारत में पहले कॉन्सनट्रेट करें अपने आप तो जो, जो हालात हैं उनके उस पर नज़र आ, आ, रखें जो वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है वो तो मैशत की बातें शुरू कर दी करनी जो उनके शोबा ही नहीं है जो जिसके साथ उनका इस वक्त मौजूदा हालात में उनका तल्लक ही कोई नहीं है उनका तल्लक तो है अपने लॉन ऑर्डर के साथ और वो भी खास तौर पर इस्लामाबाद में वजीर दाखिला पाकिस्तान का इस्लामाबाद का एडमिनिस्ट्रेटर है इस्लामाबाद का इंतज़ाम डायरेक्टली उसके मतहत है कल जो यहाँ पर नैब कोर्ट में हुआ अगर थोड़ी सी भी इनमें रत्ती भर भी शर्म हो रत्ती भर भी शर्म हो तो उनको ये बयान देने के बजाय क्या देना चाहिए मेरे बस की ये बाहर बात है नैब कोट ये किसकी जिम्मेदारी थी वो जो पुलिस अफसर को पुलिस अफसर को जो मारा गया वो के है कि नहीं है? आप ही के पार्टी अपोजिशन रहे रहे लीडर आज तो कह रहे थे ना कि कल जो वाक हुआ सबकी जानी चाहिए जा, मेरे साथ हामिद मीर साहब मौजूद है बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मखदूम फैसल हजाज साहब यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक दो नुकात पर मैं आप की राय चाह रहा था एक तो पाक फौज के तर्जमान ने बिल्कुल वादे कर दिया कि जमहूरीत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है बल्कि वो रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए उनसे खतरा हैं आप क्या कहेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले तो जनादूम फैसल साल की में करता मेरा भी सलाम कबूल कीजिए आप जी जी बहुत शुक्रिया दूसरी बात यह है प्राजा साहब आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपने मेरे से सवाल किया था यही वाला, वाला तो मैंने भी आपको तकरीबन यही जवाब दिया था जो आज डीजी इसलिए तो हमने दे दे आपको, दे। दे आपको दी है आज तो बस मैं ये मैं फैजल याद साहब सही कह रहे हैं कि ये हुकूमत को कोई खतरा नहीं है इनको अंदर से खतरा है और अगर ये अपनी पॉलिसी ठीक कर लें तो इनको कोई खतरा नहीं है और डी आई ने सिर्फ ये नहीं कहा कि टेक्नोक्रेट्स का कि गवर्नमेंट का कोई खतरा नहीं है मादसा का कोई खतरा नहीं उन्होंने दो चीज़ें बार बार कही हैं कि फौज जो भी काम करेगी आइन और कानून के अंदर एज करेगी और एक बात जो उन्होंने और कही है वो उन्होंने ये कही है कि मुझे एस एन इकबाल साहब का बयान सुन के मायूसी हुई है और मैंने जो बात कही थी वो आइन और कानून के दायरे से बाहर नहीं बात की और मैं अपनी बात पर कायम हूँ लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसी बातें भी की हैं जिससे कि ये आ, साफ पैगाम मिलता है कि वो हुकूमत के साथ या एसन इकबाल के साथ किसी भी किस्म की कोई मुहाजरा नहीं चाहते और आ, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनका स्टांस जो है आ, और एहसन इकबाल साहब से भी मैंने ये गुजारिश की थी कि वो इसका कोई जवाब ना दें और मुझे उनका मैसेज मिला कि वो इसका कोई जवाब नहीं देंगे तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के जो रियाती इदारे हैं उनको मौजूदा सूरत हाल में एक दूसरे के साथ मुहाजराई से गुरेज करना चाहिए और इसमें जो हम मीडिया के लोग हैं हमारा भी एक किरदार है आप देखें कि जो डी जी आई एस पी आर ने जो बात की जिसको एस एन इकबाल साहब ने रिस्पॉन्ड किया वो उनको एक पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर सहाफी जो हैं वो एक सवाल कर रहे हैं और वो उसका जवाब दे रहे हैं और सवाल में ये चीज़ साफ नजर आ रही है कि जो हमारे सवाल करने वाले सीनियर दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि सिक्योरिटी का और इकॉनमी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और पाकिस्तानी फौज को इकॉनॉमी के हवाले से भी अपना जो इनपुट है वो हुकूमत को देना चाहिए लेकिन इसके बावजूद एक लोडेड क्वेश्चन के बावजूद डी जी आई एस पी आर ने बड़ा इस्तेमाल किया और उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है इस तरह की बात की लेकिन उनकी सारी गुफ्तु में एक चीज जो बड़ी अहम है वो है बॉर्ड इकॉनमी डी जी आई एस जो बॉर्ड इकॉनमी की अतलाह इस्तेमाल किया है उन्होंने कहा बॉर्ड इकॉनमी है जो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बन सकती है तो इस बॉर्ड इकॉनमी से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत को अपोजिशन को फौज को अदलिया को मीडिया को हम सबको आपस में एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू करना म, मीर साहब मीर और... साहब मीर साहब मदरत इंटरप्ट करूंगा ये जो मिल के बैठने की बात एस इकबाल साहब भी कर रहे हैं और डीजीआईएसपीआर आई एस पी आर वो भी कर रहे हैं लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी हवाला दिया गया लेकिन ये जो उधर एक बार मिल के बैठे थे पांच अक्टूबर को यही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था लेकिन डॉन तो उधर ही से निकले क्या फिर आ, ये हम आहंगी की जो बार बार बात करते हैं कि मिलके बैठेंगे एक एडवर्स एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है इस पे क्या कहेंगे देखिए डॉन लीक्स को इससे उनके साथ चला गया और जो फौज की मौजूदा क्यादत है वो डॉन लीक्स के मामले को इतनी अहमियत नहीं दे रही क्योंकि उसको अगर हम अहमियत देंगे तो कन्फेडरेशन बढ़ेगी हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फौज की मौजूदा क्यादत जो है वो सियासी हुकूमत के साथ मुहाजराई से गुरेज कर रही है सियासी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अदलिया और फौज के साथ गैर जरूरी महाजराई की जाए लेकिन ये तो इनकी कोशिश जारी है लेकिन अब हमें कुछ अच्छी वाइब्रेशन मिल रही हैं कि वजी अजम शाह हकान साहब जो है वो वजी खारजा ख्वाजा आसिफ साहब आज वजी रेलवे साद रफीक साहब भी जो है वो फौज की जो खिदमत है उसकी तारीफ कर रहे थे तो इस सूरत में लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमत है जिसकी क्या मुद्दत काफी कम रह गई है इसमें ऐसे लोग जो हैं वो खुल के बात शुरू हो गए हैं जो कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ की पॉलिसी से नहीं करते बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया नादरीन ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मखदूम साहब ने कहा मखदूम फैसल साल आयात ने कि ये हकूमत एक सुइसाइड मिशन पे है ख़ुदकुश मिशन पे है मेरा इनसे सवाल होगा ब्रेक के बाद कि जब वो ये जानते हैं कि इस रास्ते पे चलने में हकूमत गिर सकती है मुश्किल पैदा हो सकती हैं फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे वेलकम बैक नादरीन आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं लाइव इस्लाबाद इस्टूडियो से और आज हमारे रूबरू हैं सबक वफाकी वजी दाखिला पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब मखदूम फैसल सलिया साहब मैंने एक सवाल छोड़ा था आप पे कि मैं मुझ ऐसा लेमैन भी जिसको सियासत का कोई पता सुर नहीं है वो भी समझ सकता है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं टकराव का रास्ता है तनाव का रास्ता है शाह साहब भी ख़ुर्शीद शाह साहब भी कह रहे थे कि कल के वाक़ से सबकी आँख खुल जानी चाहिए इनको हकूमत को मुस्लिम लीग नून को इतना ख़ुद भी आइडिया होगा आपने कहा सुइसाइड मिशन पे हैं फिर ये क्यों इस रास्ते पे चल रहे हैं शोक साहब कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी मेरे व्यू में ये आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब का और इनके आसपास जो इनके करीबी लोग हैं इनकी सारी फैमिली वाले और दिगर भी आप सिर्फ उनकी माजी हिस्ट्री देख लीजिए ये एक अपनी दुनिया में रहते हैं मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं और एक डिनयल मोड में रहते हैं यानी हकीकत को तस्लीम नहीं करना और उसको मानना भी नहीं है और ऊपर से फिर अब मैं अगर वो कहूँ कि झूठ बोलते हैं शायद ये खैर पार्लीमानी लफ्ज़ हो जाए गलत बयानी से काम लेना बार बार मैं कितनी मिसालें इस इस हवाले साहब को दूँ आप वो जन मशरफ के साथ का माहे की पहले मिसाल ले लें ले ले आप मैं सिर्फ सयाक व सबाग में बात कर रहा हूँ इन्होंने इनकार किया रखा आखिर में वो प्रिंस सऊदी ने, प्रिंस मकरें 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 ने यहां पे वो ओपन कर के दस साल के लिए इनका एक माइंड सेट है कितनी अरस से ये डिनय करते रहे हैं कि एवन फील्ड फ्लैट हमारी नहीं है हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं है अब जब ओवरवेलमिंग एविडेंस आ चुका है ओवरवेलमिंग एविडेंस आ चुका है ठीक है जी फिर भी डिनाइल मोड में है निकाल दिया गया अभी कहते हैं मेरा क्या कसूर है ये एक माइंड सेट इनका एक 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 जहन इनका अच्छा ये जहन कैसे बने अगर तो ये सियासी अमल से आते हैं ना सियासत में जिस तरह हम आए या दीगर लोग आएँ एक सियासी प्रोसेस के तहत तो शायद माइंड सेट इनका सियासी तो आप तो बड़ी मुदत हो गई ना मैं अर्जा करूँगा आपको जी लेकिन जिस ये जिस तरीके से ऊपर आए हैं लाया गया इनको मतद दफ़ा सियासी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं वो डी जी आई एस पी के स्टेटमेंट पर भी मैं अगर आपकी हो कमेंट करना चाहूँगा बाद में लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा इनके इनके जहन है शहन शहाना शहन शाहत मुग़ल आजम पी एम सेकटेट देखें मैं, मैं पी एम सेकटेट देखें मुग़ल आजम सेक्टेट बना हुआ है तो ये जमहूरियत की पैदावार नहीं है और इसी वजह से अब तो मियाँ साहब कहते हैं मैं नजरियाती आदमी हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं अब बार बार कहते हैं असर्ट करते हैं मैं एक नजरिया आदमी हूँ शौक साहब नजरिया इनका क्या है पैसे बनाना और भाग जाना बाहर देखकर नजरियान का क्या है कि सबको अपने हवारी को भेज के नैब कोर्ट पर हमला करवा देना कल कल की क्यों हुआ है सारा प्री प्लान था पंजाब का इनका अपना एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल इनकी अपने एक पुलिस अफसर को साथ जो कर रहा है पूरी दुनिया ने आज वो वायरल हो चुका है वो वो नज़ारे देखे हैं इनका जो माइंड सेट है वो इस किस्म के एक फिरनीत एक रौनीयत है इनकी इनकी माइंड सेट में और उसकी वजह ये आप है, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में अब ये जा रहे हैं इनको महसूस नहीं हो रहा इन इनको इल्म नहीं है मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं अगर मैं नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं तो अगर मैं हूँ अपने आप को स्टेट के साथ रियासत के साथ इक्वेट करते हैं कि नवाज़ शरीफ और स्टेट एक चीज़ है ये कभी हो सकता ही नहीं यहाँ पे इस किस्म की बात है इसलिए वो तो आराम से बाहर चले गए ना अब जी ठीक है अब अपने हवारी को छोड़ गए यहाँ पे कि जी आप यहाँ पे अफरा तफरी फैलाएं आज भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ें इनकी इनके इनके जो क्लोज़ लोग हैं जो इनकी मीडिया की टीम कुछ लोग हैं आज भी पाकिस्तान आर्मी के मतलब उनके क्या ख्याल हैं आज आज स्टेटमेंट दिए उन्होंने यहाँ पे आज मैं नाम ही लेता बहुत से लोगों ने खाजा साद रफीक जैसे कह रहे थे मैं भी, ये भी चाह रहा हूँ आपकी उन्होंने कहा कि 20 करोड़ आवाम का फैसला बंद कमरों में नहीं हो सकता बंद कमरे में नहीं हो सकता ये किस बंद कमरे की बात कर रहे हैं वो साफ़ चाहे ये, ये, ये किस पे हट करें इनका सीधा साधा इनका इनके जो जो अपना है अटैक जो उनका है वो रिश्ती इधारों पर है मैं कहूँ अदलिया पे है और पाकिस्तान आर्मी पे है जो बयान दिए है आप उसके मुहरक देखें तो ये सारी एक सोची समझी साजिश स्कीम और प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि हमने इनको जमहूरी से इनको जमहूरीत से कथन किसी किस्म की कोई रगबत कोई उसके साथ चलने का इनको ना कोई इनका इरादा ना इनका कोई शौक है बिकॉज खुद जमहूरीत की पैदावार जो नहीं आपने फरमाया बात की जी वो कहते हैं मैं नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं मैं आइडियोलॉजी पे नजरियाँ कौन सी कौन सी नजरियात बताएं ना एक्सप्लेन तो करें हमें भी मैं भी एक सियासत का तालब इलम हूँ मुझे वो समझाया कि कौन सी किस नजरिए की बात करते हैं यहाँ पर आई एस पी आर ने आज कहा उन्होंने एक तो आशोरेंस दी कि जमहूरीत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है ये टेक्नोक्रेट हुकूमत या डिफेक्टो मार्शाला की हकूमत उन्होंने रूल आउट की लेकिन उन्होंने कहा जो आप अभी शायद उसी तरफ इशारा कर रहे थे और मैं भी आपका रिस्पांस चाहूँगा इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जमूरीत को खतरा जमहूरी रिक्वायरमेंट्स या मतलब जमहूरी जो तकाज़े हैं वो पूरा ना करने से आए यह भी तो एक बात खुद बड़ी बात है पाकिस्तान शौक साहब पाकिस्तान आर्मी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है और जो उसकी क्यादत है जो भी हो आज की हो माजी की हो या आने वाली जो हो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अमर हमेशा ये होगा रहेगा और मेरे ख्याल में सर उनके लिए नहीं पूरी कौम के वो वतन जो हमारे दर्द रखने वाले लोग हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो महफूज रहे वो मजबूत रहे ये सब ये ख्वाहिश भी है और हमारी सबकी कोशिश भी ये रहेगी डी जी आईज पे स्टेटमेंट पे आप आ जाइए आपका जवाब लेता हूं। मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है लेकिन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद इसी गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे वेलकम बैक नादरीन आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और आज हमारे रूबरू हैं मखदूम फैसल आप बात कर रहे थे कि जमूरीत को पाक फौज से ख़तरा नहीं जमूरी तकाजे पूरे ना होने से है चौक साहब फ़ौज ने मेरे मुताबिक जितनी रिस्ट्रेंट दिखाई है पिछले इस कुछ अरसे में शायद माजी में हमें इतनी रेस्ट्रेंट देखने को ना मिली हो और ये इसके बावजूद है कि बार बार प्रोवोकेशन होती रही हैं सियासी हकूमत की तरफ से आज भी हो रही हैं और आज का जो डी जी आई एस पी आर का स्टेटमेंट रेलिंट इस लिहाज से और बहुत रेलीवेंट है मेरे नज़दीक मैं एक सियासी का तलब इन भी हूँ मैं इन हालात से वाक़ भी हूँ जो पिछले कई दहाइयों से सियासी हालात होते रहे हैं रूनो होते रहे हैं उन्होंने एक बात जो कही है कि जमहूरीत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है जमहूरीत को अगर कोई खतरा है तो जमहूरी तकाजे जमहूरी रिक्वायरमेंट्स पूरे, पूरे ना, ना करने से. के हवाले से है अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और ये हम सब के लिए हम जो सियासतदान हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त के लिए क्योंकि बैठे तो हवानों में इकतदार केवानों में वो बैठे हुए हैं उन्होंने डिलीवर करना है उन्होंने गवर्नेंस देनी है उन्होंने पॉलिसियों की इम्प्लीमेंटेशन करनी है उन्होंने मुल्क को आगे लेकर चलने की कोशिश करनी है उनकी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी कि आज जमहूरीत की जो बुनियादी तकाज़े हैं रिक्वायरमेंट्स हैं कौन सी ऐसे हैं वो जिनकी जिनको पूरा नहीं किया जा रहा एक छोटी सी आपको मैं यहाँ मिसाल दे दूँ जमहूरीत की आपने नवाज़ शरीफ साहब की बात की कि उन्होंने फरमाया शाह अकबर ने फरमाया कि मैं नजरियाती आदमी हूँ ठीक है जी <coughs> कैसा जाती आदमी है ठीक है जी चार साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चार साल में चार दफ़ा से ज़्यादा पार्लियामेंट नेशनल असम्बली में आए हैं वो जी क्या इसको आप कहते हैं नज़रियात बाकी आप मैं मिसाले दे सकता देश्तम और भी आप सिर्फ इसी एक मिसालें लें क्या उनका नज़रिया क्या जिस जिस शाख में बैठे हैं कहते हैं नेशनल असम्बली मेरी पावर बेस है पार्लियामेंट मेरी पावर बेस है वो जब उसको आपने घास नहीं डालना उसको आपने पूछना नहीं है उसको आपने फ़ाल नहीं करना तो कौन सी जमहूरियत है कैसे आपने कहा कि आप आप फ़ौज लचक दिखा रही है फ़ौज एक्ट नहीं कर रही एक तासर और भी है चूँकि आपसे खुल के बात हो रही है कि नवाज शरीफ या नून लीग जिस तरह वो अब बातें कर रहे हैं वो एक हमारी पोलिटिकल टर्मिनोलॉजी में सियासी जबान में कहा जाता है सियासी शहीद होना दूसरी साइड डिस्कवालीफाई करके अदालत से डिस्कवालीफाई हुए वो और अब तो ये अगर तो की जाए कि वो बिल्कुल गुमनाम हो जाए वो चुप कर जाएं ये भी तो पॉसिबल नहीं है इसी तनाजर में सवाल फिर ये पैदा होता है कि माजी में जिस तरह पार्टियाँ टूटती रहीं या तोड़ दी गई मसलन इसी नवाज़ लीग से काफ लीग बनी थी आपके साथियों ने आपके साथ मिलके पैट्रियट एक बनाया था यहाँ एक इंप्रेशन था कि जी नून लीग टूट जाएगी वो वजीर अजम शायद खाकान अबासी ने अभी दो चार दिन पहले कहा जी नहीं टूटी जी अलहमदिल्ला हम इंटैक्ट हैं दूसरा पंजाब में वो स्ट्रांग तो हैं उनकी हुकूमत है वो पूरा स्ट्रक्चर है उनका फिर ये मामला कन्फ्रंटेशन में ही रहेगा या किसी तरफ मुल्क आगे बढ़ेगा हम तो फिक्रमंद हैं इस सूरत हाल के हवाले से शौकर साहब आपने कहा खुल के बात करूं करूँ तो मैं भी खुल के करूंगा करूँ आपकी इजाज़त से <laughs> जब मैंने ये आपको गुजारिश की ना कि आर्मी ने इंतई रिस्ट्रेंट दिखाई है तो मेरा मकसद यही था जो आपने अभी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब जब चले गए तो ये सब कुछ तितर बितर हो जाना था अगर वो रेस्ट्रेंट ना दिखाई जाती अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा अगर वो रेस्टेंट ना दिखाई जाती तो आपको ये सारे के सारा नून लीग का जो एक सो so कॉल्ड एक आपको नज़र आता है ना एक एक, एक जमात है बहुत बड़ी जो कहते हैं ये सारे के सारे आपने खुद फरमाया ये सारे के सारे माजी में काफ़ लीग में रहे हैं दूसरी जमातों में रहे हैं सारे तो दोबारा इनको वापस जाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी इन लोगों को है ही नहीं सो so, सो so, आप बड़ी नहीं बात नहीं। कर रहे हैं आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि इनको अभी किसी ने नहीं छेड़ा अभी किसी ने इनको नहीं कुछ कहा अभी कब तक अभी देखें अब सारी बातें जो हैं आप <laughs> अभी अभी ये कब तक चले मैं, मैंने जो आपको पहले गुजारिश की ना जी ये खुद का हमलावर खुद हैं अपने ये नवाज शरीफ और इनकी फैमिली बैठे हुए हैं किसी वक्त भी अपने आप को खुद ही ब्लोअप कर सकते हैं इनके इनके इनका ख्याल है अब दूसरी वजह जो आपने बात फरमाई उस पर भी उनका ख्याल है कि हम सियासी शहीद बन सकते हैं मुझे आप ये फरमाइए आप भी हम भी यहाँ पर इस्लाम में रहे हैं अरसे अरसद्राज से जब ये नौ... जब ये लैंड किए थे जद्दा से जन मुशरफ के दौर में कितने लोग थे यहाँ पे एयरपोर्ट मुझे पे? याद है दस सेप्टेम्बर था वो कितने लोग थे इनको लेने के लिए आए थे असल हकीकत तो ये है आज आप हकूमत आज हकूमत पंजाब में इनकी है आज आप पंजाब से हकूमत इनकी निकाल दें उसके बाद मैं छोड़ ये दूंगा। यही तो सवाल है कि कैसे निकालने मेरा एग्जैक्टली exactly यही सवाल शब? है वो मियां शहबाज शरीफ पंजाब के अभी स्ट्रांग मैन है पंजाब में अक्सरियत है दूसरी तरफ अपोजिशन भी तो डिवाइडेड है मसलन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कल जैसे इमरान खान ने कहा कि सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी इस सूरत हाल में आपके पार्टी लीडर बैठेंगे दीगर अपोजिशन मसलन इमरान खान के साथ बैठेंगे जब अपोजिशन डिवाइडेड है पोलिटिकल <coughs> कॉनोटेशन की बात कर रहा हूँ उसका फ़ायदा मियाँ नवाज शरीफ को उसका फ़ायदा शहबाज शरीफ को उसका फ़ायदा नून लीग को होगा यहाँ पे मैं फिर आवाज करूँगा ये मैं इस बारे में भी मैं आ, कमेंट जरूर करूँगा पोलिटिकली लेकिन जो मैं पहले बात अर्ज़ कर रहा था आज पंजाब में इनकी हुकूमत अगर ना हो जो मैंने आपको कहा और ये को इतना बड़ा ये पजल भी नहीं है हुकूमत ख़त्म होने में कोई देर नहीं लग सकती शवाज शरीफ साहब पर खुदैबिया पेपर मिल का उनके और उनके बेटे पे केस चल रहा है मैं आपको अर्ज करूँ आप खुद जानते हैं इस बारे में और बात के लिए मंजूर हूँ जी और आप ये भी जान जानते हैं मुझसे बेहतर कि के उस केस के मुहत क्या हैं और मैंने खुद केस पढ़ा हुआ मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में, में था तो मैंने सारे केस देखे ओपन एंड शर्ट केस है वो तो सो मुझे मुझे नहीं लगता मुझे नज़र नहीं आता यहाँ पे कि ज़्यादा देर इसमें लगेगी ये अब देखा ना बाद से बात निकलती है इनकी फैमिली के अंदर आप देख लीजिए एन ए वन ट्वेंटी में आपको शवाज शरीफ का खानदान की नज़र आया आपको किसी जगह पर बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं लेकिन वक्त की कमी है दूसरी बात आपने क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही पोलिटिकल आपस में में के हवाले से अपोजिशन जमा अपोजिशन की जमातों के हवाले से इमरान खान जो है वो बदकस्मती से उनका एक सियासी माइंड नहीं है वो एक, एक ही एक ही रट एक ही डगर पे वो चलते हैं और बस वो उसी पर चलते रहते हैं अब मैंने मेरे साथ उनका कुछ ताल्लुक भी है रहा है माजी में मैंने उनको कड़ी दफ़ा ये बात कही है कि सियासत इस तरह नहीं होती जिस तरह आप करते हैं इसके और भी बड़े तकाजे होते हैं ठीक है जल से आपने कर लिए आपने ये एक एक वन ट्रैक आपने ये करप्शन के ऊपर अच्छा आपने क्रोसीट किया कर लिया आपने आप अपनी जमात तो पहले तोज्जो दीजिए आपकी जमात में कितनी दड़ेबंदियाँ हैं कितने ग्रुप्स गुरु, हैं उनमें लोग जो हैं उनकी अपने माजी जो हैं वो भी कोई इतने कुशैन नहीं हैं फिर हमारी सियासत हमारी सियासत सिर्फ शौकत अपनी दुनिया भर में अभी आप ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ देख ले जो जिसको हम मदर फॉर डेमोक्रेसी कहते हैं वहाँ पे इलेक्शन हुए कंजर्वेटिव्स को सीटें मजारिटी के नहीं मिली वो जो मे है उनकी प्राइम मिनिस्टर उनकी हमेशा से एक मुखालिफ एक पार्टी चली आ रही थी आई थिंक लिबरल डेमोक्रेट्स इस तरह की थी उनके साथ उन्होंने कोलिशन बनाने की हामी भर ली तो सियासत में ये बहुत जरूरी जरूर है कि आप अपने आप को फ्लेक्सीबल रखे रखें, रखें। मुझे रखें मुझे ज्वाइन किया है सबक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड साहब ने रहमतुल्ला क्या हाल है बहुत शुक्रिया असल में आज ज़हमत इसलिए दी थोड़े वक्त के लिए कि डीजी आई एस पी आर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो जो बात करते हैं वो उनकी जती सोच नहीं होती वो पाक फौज का मौकाफ होता है सिंपली हम थोड़ी सी आपसे गाइडेंस चाहते हैं कि ये फैसला या जो यकजा करना होता है इस पे हमें बता दें ये बहुत बड़ी बड़ी बात बात थी जो उन्होंने आज की जी ये, ये तो मेरा ख्याल है है कि बड़ी आम फहम और सबको समझ लेनी चाहिए और मेरा अपना ये अंदाजा है कि अगर किसी ने डी जी आई एस पी आर को एज एन इंडिविजुअल जवाब दिया है या बात की है या उनको टारगेट किया है तो उसको भी अच्छी तरह मालूम था वो जनरल गफूर से आसिफ वो भी जो पैगाम पहुंचा रहे थे वहीं तक पहुंचा रहे थे आप कह रहे हैं कि जो इधर से जवाब गया वो पूरी पाक फौज को था और जो आज मायूसी का इजहार किया जनरल आसिफ गफूर साहब ने वो पाक फौज की तरफ से डिसअपेंट का इजहार था इसमें एक जरा बराबर भी शाक की गुंजाइश नहीं है जो आपने कहा है ऐसे ही है मतलब वो वो नुमाइंदा हैं पाक फौज के और जब उनको कोई पैगाम दिया जाता है तो वो आसिफ वफूर को नहीं पैगाम दिया जाता वो फौज को पैगाम दिया जाता है ये बात सबके समझने की है और बड़ी सीधी सी बात है इसमें कोई पेज है ही नहीं कोई इसमें दाव पेज वाली बात ही नहीं है इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब शायद आखिरी एक दो सवाल रह गए आप अपोजिशन के हवाले से इमरान खान को भी आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट माइंड के आदमी हैं सियासत को वो उस तरह नहीं लेते आज कल आसे वाली दरदारी से, से आप क्या सोच रहे हैं इस सारे सीनारी के बारे में पंजाब वीक है ऑब्वियसली आप पंजाब के मरकजी रहनमाय जब आप पार्टी में शामिल हुए अभी वो पंजाब का ही फोकस था आप शामिल हुए बहुत क्लियर सोच है उनकी आसिफ साहब की जी इसमें कोई शक्की बात नहीं है वो एक एक प्रैक्टिकल एक सियासतदान भी हैं एक 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 प्रैक्टिकल सियासत करने के वो आ, आ, ना सिर्फ आदि हैं काफ़ी अरसे से बल्कि आप उसके माहिर बन चुके हैं और आप माजी में अब दो हज़ार आठ से लेके अब तक आप अगर उनकी सियासत का मुशाहिदा कीजिए मा जो दो हज़ार आठ में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ जो मफामत की उसका उसको एक बड़ी पोलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ी पंजाब में ख़ास तौर पर कि उसने अपना एक जो सियासी जो वोट बैंक है उसमें इरोजन हुई उसमें कमी हुई और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था पीपल्स पार्टी के लिए लेकिन उससे हट कर आसिफ जदारी साहब ने दो हज़ार आठ से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं सबसे बड़ी कामयाबी तो ये थी पांच साल सबसे बड़ी पांच के पांच साल, साल चली। 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 उसके बाद तमाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस पहली मरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी हुकूमत में अली भुट्टो साहब के बाद पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी को मिले और सिर्फ यहाँ ख़त्म बात नहीं हुई दो हज़ार चौदह में जब सेनेट के इलेक्शन हुए अपोजिशन में नहीं। रहते हुए चेयरमैन सेनेट भी उन्होंने जीत